हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम है और मेरे यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं। सुबह नहीं कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा सुबह तो नहीं है, 10 बजे का टाइम है लगभग। मैंने सुबह बनाए थे आलू के पराठा बच्चों के टिफ़िन के लिए। बोल रही थी उनकी कल से ही डिमांड थी, मम्मा सुबह नाश्ते में आलू के पराठे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये भी चले गए, तीनों लोग स्कूल चले गए हैं। सुबह मैंने अपने लिए पराठा नहीं सेके थे, सिर्फ इन लोगों के लिए ही बनाए थे। मैंने सोचा जब मैं खाऊंगी तभी सेक लूँगी, इतना सुबह तो भूख नहीं लगी है। मैं बाद में ही नाश्ता करती हूँ, जब ये लोग चले जाते हैं फुर्सत में, नहाने के बाद ही करती हूँ नाश्ता। और मैं नहा भी ली हूँ, पूजा पाठ से भी फ्री हो गई हूँ अभी। आज गुरुवार है तो मुझे गाय माता को लोई भी खिलानी है, तो मैंने अपने लिए 2 पराठे सेक लिए हैं। अब जाती हूँ बाहर गाय माता को देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। जिस दिन गुरुवार होता है अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है और गाय माता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं। मैं बहुत देर तक वेट करती रहती हूँ बाहर। और वैसे रोज़ की बात करूँ तो रोज़ सारे दिन मतलब निकलती रहती हैं बाहर। पराठे मैंने अपने लिए सेक लिए हैं, तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। उसके बाद मुझे करना है सबसे ज़रूरी काम, वो है प्लेटफॉर्म और गैस साफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि पूरी किचन फैली पड़ी रहे और उससे पहले खाने लग जाओ। तो पहले मैं साफ़ सफाई करूँगी और फिर गाय माता को लोई खिलाऊँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। मेरे पराठे बन गए हैं, ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा गर्मी है। नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा है अभी नहाए नहीं है, बहुत ज़्यादा पूरा पसीना पसीना हो गया है। और मेरी पूजा पाठ भी हो गई है सुबह की, ये देखो धुआं धुआं लग रहा होगा आपको धूप बत्ती का। सो अभी टाइम हो गया है सुबह के, बज गए हैं फिक्स 10 बज गए हैं। और मैंने अभी अपने लिए 2 पराठे सेके आलू के, क्योंकि सुबह मैंने अपने लिए नहीं सेके थे, उठा के रख दिए थे मैंने अभ्या नभ्या के लिए और इनके लिए, तीनों लोगों के लिए मैंने सेक दिए थे, क्योंकि मैं नहा के ही खाती हूँ और आज गुरुवार भी था तो मुझे गाय माता को लोई खिलानी थी, इस वजह से मैंने नहीं खाया। वैसे मैं कभी कभार एक आध बार खा लेती हूँ बिना नहाए, लेकिन जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन तो बिल्कुल नहीं खाती और अक्सर मैं ज़्यादातर नहा के ही खाती हूँ, मतलब नाश्ता भी नहा के ही करती। तो मैं अभी गाय माता का वेट कर रही थी, गाय माता मुझे नहीं मिली, बहुत देर से बाहर खड़ी हुई थी। तो लोई भी मेरी रखी है बनी हुई, तो मैंने कहा चलो तब तक पराठे सेक लेती हूँ, शायद तब तक आ जाएं, लेकिन अभी तक नहीं मिली हैं। देखते हैं अभी आई कि नहीं। ये देखो लोई रखी है, गाय माता की रोटियाँ रखी हैं। सबसे पहले मैं गाय माता के लिए रोटी बनाती हूँ और ये लोइयाँ, चलो देखते हैं बाहर हैं कि नहीं, गेट खोल के। वहाँ पे दिख तो रही है शायद, चलो वहीं खिला के आती हूँ। देखो हमारी गाय माता आ गई। खा लिया जाओ। खा लो
जा, चलो जा। गाय खिला दी मैंने गाय माता को लोई। मैं खिलाने के लिए जा ही रही थी तब तक वो घर पे ही आ गई, मतलब बाहर। बहुत गर्मी लग रही है सच में, इतनी गर्मी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आलू के पराठे हैं, आप लोग भी आ जाइए सुबह का नाश्ता कर लीजिए। 10 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई है, कभी कभी मैं बिना नहाए सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, बट रोटियाँ मैं नहा के ही बनाती हूँ, और आज नहीं बनाई है। लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज। तो चलिए फटाफट से खा लूँ, फिर मैं बनाऊँगी खाना। और रोटियां तो मैं तभी सेकती हूँ जब ये लोग आने वाले होते हैं 12:30 के टाइम पे, क्योंकि पहले से बना के रख दो तो फिर ठंडी हो जाती हैं इस वजह से। तीखे मैंने थोड़े कम बनाए हैं, मिर्ची कम डाली है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाना होता है सुबह का नाश्ता। नाश्ता हमारा हो चुका है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि हमें सुबह का नाश्ता प्राप्त हुआ है उनकी ही वजह से। सोच लिए अब बना लेते हैं सब्जी, यानी कि दोपहर के लंच की तैयारी कर लें। और ये देखो लौकी कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, तो मैं इसको आधी बनाऊंगी, पूरी नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगो दी है, चने की दाल लौकी में डालूंगी, अच्छी लगती है। कौन कौन डालता है चने की दाल लौकी में ज़रूर बताना कमेंट करके। और भगवान जी से ये भी प्रार्थना करूंगी कि सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, अगर कोई गरीब भूखा सोता है तो हे प्रभु हमारे हिस्से का थोड़ा सा बचाकर उनकी थाली में ज़रूर परोसना, ताकि सब खाकर पेट भरकर सो सकें। आज भी काफ़ी लोग हैं इस दुनिया में जो भूखे पेट सो जाते हैं, रात को उनके बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। तो हे प्रभु सबको बराबर देना, सबको बराबर समझना। लौकी मैंने काट ली है और मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, पक गया है। तो चलिए फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ और फिर रोटियाँ थोड़ा लेट ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी से बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठंडी हो जाएंगी, अभी कौन खाएगा, तो इसलिए बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है लौकी की, चने की दाल डाल के, बहुत ही टेस्टी लगती है सच में चने की दाल डाल के। बिना चने की दाल डाले मुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है, और मैं अभी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ आपको, आपको बोलने जा रही हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वो ज़रूरी बात ये है, अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। गाइस मैंने ना सब्जी बनाने के बाद मैंने एक सूट कंप्लीट किया, मैंने एक सावन स्पेशल मेकअप लुक निकाला था। ये देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, और चूड़ियाँ भी मैंने पहनी थी ग्रीन ग्रीन, ये देखो। सो अभी अभ्या नभ्या का टाइम हो गया, स्कूल से आ रही होंगी, तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। और सब्जी मैंने ऑलरेडी बना के रख दी थी लौकी की, तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। और वीडियो एडिट पता नहीं कब करूँगी, मैंने बना के रख दिया है, जब टाइम मिलेगा तभी करूँगी फ्री टाइम में। गाइस सबसे पहले तो ये बताइए कि भुट्टा खाना किस किस को पसंद है, तो आ जाइए फटाफट से इस बारिश के सीज़न में। बारिश तो यार बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत कड़क धूप निकल रही है इस टाइम पे, लेकिन सीज़न तो आ गया ना भुट्टो वाला, तो इसलिए मैं भी ले आई, मतलब हाँ मैं ले आई हूँ। वैसे मैं अकेली कहीं नहीं जाती हूँ, बट मुझे जाना पड़ गया, और वो कहाँ जाना पड़ गया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं नींबू भी लेके आई हूँ, 3 नींबू 3 भुट्टे, 1 केजी में 3 भुट्टे ही चढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं इनका छिलका हटा लेती हूँ, फिर भून लेती हूँ। और नव्या हमारी देख रही हैं बड़े ध्यान से, बोल रही मम्मा ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये भुट्टा हैं, पूरे 1 साल बाद आए हैं, उसको याद नहीं है पिछले साल आए थे, और उसको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, कम ही खाती है। तो चलिए अभी शाम के 3 या 4 बजे का टाइम होगा, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इनको दे देती हूँ भुन के, क्योंकि फिर 4 बजे ये पढ़ाएंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे, तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए जिस जिसको खाने हैं भुट्टे। और मैं बता देती हूँ मैं कहाँ गई थी, कहाँ से लेके आई हूँ। तो दोस्तों मैं गई हुई थी बैंक, और मैं क्यों गई हुई थी गाइस, मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो गया है,
तो मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ अकेले, क्योंकि इनको टाइम नहीं है स्कूल की वजह से, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ गया और मेरा काम भी नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो कहीं कुछ बोल देते हैं कहीं कुछ बोल देते हैं, तो काम नहीं हो पाया है। फिर जाऊंगी किस दिन टाइम निकाल के। तो उस साइड से जब मैं आ रही थी तो मुझे भुट्टे दिख गए, तो मैं ले आई हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मैंने भुन लिए हैं, और अभ्या को पहले आधा आधा दिया है कि इनको कैसा लगता है, और नींबू और नमक भी लगा दिया है अच्छे से। चलो देखते हैं इनको कैसा लगता है। एक पकड़ो, एक इसको पकड़े खाना है ना, तो इससे क्या है कि वो गंदा नहीं होगा। कैसा लग रहा है नव्या, टेस्ट कैसा लग रहा है नमू? मीठा मीठा है नमू? कैसा है अभ्या, मजा आ रहा है ना? उनको अंदर का नहीं खाते हैं, अभ्या को पता है ना। अभ्या कैसा लग रहा है बेटू? घुट्टे नहीं, भुट्टे। मस्त, मीठा मीठा नींबू का टेस्ट आ रहा है। अब यार नमक और तो नहीं डलवाना, ठीक है? आ रहा है नींबू का टेस्ट, अच्छा लगता है इसमें खट्टा खट्टा। इस सीजन में फर्स्ट टाइम खा रही हैं अब्या नव्या ना। नव्या को पहले खाना नहीं आता था, कैसे खाती थी नव्या? ये ना अंदर का ये भी खा जाती थी पूरा, लेकिन ये सिर्फ ये मक्के है ना, मक्के के दाने खाने हैं, सिर्फ मक्के के दाने खाने हैं। मम्मा मैंगो खाना भी नहीं आता। तुझे आता क्या है खाना? नहीं, वो काटी काटी मैंगो खा लेती हूं मैं, वैसे चीज नहीं। दशहरी नहीं खा पाती, बड़े बड़े वाले खाती है। और हमारी अम्मो रानी सब खा लेती है ना अम्मो। अब आँख ठीक है, दिखाओ। अभी भी थोड़ी थोड़ी लाल सी हो रही है, छोटी भी दिख रही है, वो वाली बड़ी दिख रही है, क्योंकि जब आती है ना आँख तो फिर वो छोटी सी दिखती है, अजीब सी। अभी ट्यूब डाल देंगे, शाम को डाल के सो जाना, ठीक है? उससे एकदम बढ़िया हो जाएगी। इसके दाल खा रही हूँ, बहुत काले हो गए इसके दांत। खा रही हो इसके? ये मेरा से निकलते थे, काले हो गए। उसको पोपला कर देगी पूरा, क्यों भैया? गंदी बात है, पूरे उसके दांत खा लिए। तुम्हारा दांत भी एक कम है अब, या आगे का दिखा ना, दिखाओ, हंसो। हाँ मेरा एक आ गया, मेरा आ गया, आ गया। और तुमने भुट्टे के सारे दांत खा लिए। अब्या की आंख देखो कितनी लाल रखी है, जब ऊपर देखती हो तब। ऊपर देखना बेटा, होमवर्क हो गया कर रहे हो? और बेड शीट देखो जरा, देखो बेड की हालत। ये इतना आज किया है? आज किया है? अच्छा थोड़ा सा कल किया था। देखो देखो नव्या क्या कर रही है, इंग्लिश की ईवीएस? ये पहले करवाई थी क्लास में, करवाई थी कंप्यूटर की, ईवीएस की और इंग्लिश। अच्छा तीनों की, अभी चेक करूंगी मैं। हाथ से तोड़ लिया दांत, काले काले दांत हैं भुट्टा के। सो चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ। अच्छी वीडियो का वेट करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये देखो मैंने आटा छान के रख लिया है, थोड़ा सा ये सुबह का रखा हुआ था, पराठे बनाए थे आलू के, बाकी का मैं आटा लगा के बना रही हूँ रोटियाँ। बाय बाय।